इसकी चुन लगानी पड़ेगी मुझे कि मैं डेली व्लॉग कैसे करूं। मैं और तबड़े पीसी छोड़ के आए ना, उसमें अब लगने वाले, उसी के चलते ये चीज पीसी छोड़ के आईफोन ले आए। देखो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ एक्स के व्लॉग्स। आई होप कि आपको मेरी शक्ल याद हो, कि आप भूले नहीं होंगे। एंड बाय लिटरली लाइक अभी से ऐसा चल रहा है कि महीने में मुश्किल से एक व्लॉग आ पा रहा है। सो कल रात को सोने से पहले एक मोटिवेशन थॉट देख लिया था, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि जब आप कुछ नहीं कर सकते तब भी एक चीज़ करिए, कोशिश। तो बस वही कोशिश की जा रही है दोबारा से कि व्लॉग कर पाए। एंड इस बार ना लाइक खुद की सेल्फ को इसे पुश करना है कि डेली व्लॉग कर पाए। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं आ रहा कि सब कुछ जानते हुए भी कि हाँ डेली व्लॉग करना, लाइक शेड्यूल ऐसा है मेरा काम का, पीसी वर्क का, सब कुछ, तो वो थोड़ा उसके लिए फिर भी इस बार करना है भाई। सो वेल, आज की बात करते हैं कि आज अपन क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले ना मैं ट्राइपॉड से फ़ोन निकाल लेता हूँ। सो पहले तो आप मेरे सेटअप देखे, आपने कई बार ये पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, ठीक है। तो अभी इसी को लेके सबसे बड़ा काम है आज के दिन का, कि जो ख़त्म करना है एंड वो जल्दी से करना है। तो ये जो CPU है ना, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है पहले। तो देखो यार, बाहर की साइड ये थोड़े बहुत लाइक डस्ट है, ये तो अब बाहर की साइड है। जो अंदर की साइड जो थी वो मैंने साफ़ कर ली थी बहुत पहले ही, 4-5 दिन हो गए इसको। तो इसमें ना एक चीज़ हो गई थी जब मैं नहीं था, जो इसके केबल है दोनों, एंड यहाँ पर इसका जो ये पोर्ट है, तो ये जो HDMI केबल है ना, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी। ये मॉनिटर को इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था थ्रू HDMI केबल। तो मैंने सोचा यार वो ठीक है, HDMI के अंदर या इसके पोर्ट के अंदर कुछ हो गया होगा। लेकिन अब ना भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये जो इसका पावर प्लग है। मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा रहा हूँ अभी, ताकि इसे रिलेट कर पाओ आप भी। तो ये यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं ना, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। लाइक पहले यहाँ पे ये RGB लाइट्स लगी रखी है, इसके अंदर फैन है, मतलब इन शॉर्ट PC ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने डीलर से बात की है कि भाई ऐसा कुछ भी हुआ है, तो उनका भी वही सेम कहना है कि अभी क्या है कि बारिश की सीज़न चल रही है, तो उसमें वोल्टेज का काफ़ी इशू होता है। एंड ऑलरेडी उनके पास जैसे काफ़ी सारे केस है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रखी है, तो इन शॉर्ट उनके पास भी काम बहुत सारा है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कभी भी ले आओ, मैं देख लेता हूँ। एंड भाई जल्दी से जल्दी तो नहीं होगा कि 1-2 दिन के अंदर हो गया, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि सब कुछ कर पाए जितना जल्दी हो उतना। क्योंकि भाई जो अपना मेन काम होता है ना, मतलब एडिटिंग करना या बाकी जो भी वर्क फ्रॉम होम हो गया, वैसे तो 60-70% काम होता है इसके अंदर PC से, तो वो अभी रुका हुआ है। एंड आगे की जो भी प्रोसेस हो रखी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है, आप खुद जानते हो यार कि अपना लैपटॉप PC ख़राब हो जाए तो उसमें अपना सारा डेटा वहीं पर रुक जाता है, चाहे फिर वो अपने कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हो या अपना पर्सनल काम हो। तो उसी के चलते ये चीज़, अबे भाई अगर यही था ना भाई तो इसका रंग लोचा होता है यार। अभी फिलहाल ही कुछ दिनों की बात है, मतलब आईफोन ऐसे गिरा था, और ये जो आप होल्डर देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ, हाँ ये रहा, इससे टकरा के ऐसे गिरा था, मतलब ऐसे करके आया था, और भाई मतलब कैमरे की बात लग गई थी। उस टाइम पे तो सेल्फी कैमरा था, तो थोड़ा सा वो भी मैं डर गया था। वैसे तो क्या कहना यार। सो वेल, अपन ना इसको लेके जाना है, तो अभी ना मैंने फिलहाल के लिए भाविन को कहा है, भाविन वहाँ से अपनी शॉप से यहाँ तक आएगा, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब तक जो बेसिक काम है ना वो मैं कर लेता हूँ, बाकी मैं कंप्लीट हूँ, मुझे जो भी करना है। एंड बाकी तो मैं क्या ही दिखाऊँ रूम के अंदर। हाँ ये एक चीज़ आप देख सकती हो, ओके, ये यार ये ना हमेशा मनाली की याद दिलाती है मुझे। एंड दिनेश, अगर तू देख रहा है ब्लॉग तो बता भाई कब चल रहे वापस। ये वहीं से लिया था हमने, एक तो था जो कहीं टूट गया, तो उसको मैंने निकाल दिया। मतलब सही है यार, ये चीज़ें याद दिलाती है अपने को। और राइट, तो भी भाविन तो नहीं आया भाई, दोपहर हो गई। लाइक मैंने सुबह को कहा कि भाविन आए तो ये छोड़ के आते, एंड देन जिस दोस्त को फ़ोन करना था वो काम के सिलसिले में, एंड एक और बात तो इसको मैंने कही नहीं, सो ये रहे लाइक हाजिर आपके सामने। भाई तेरे को ना देख के एक बात मेरे को ना हमेशा याद आती है। अभी लाइक कुछ टाइम पहले मैं और अमन वही बात कर रहे थे, जो केविन वाला बर्थडे वाला इंसिडेंट हुआ था ना, केविन के बर्थडे वाला, वही मोमेंट मेरे को याद आता है तेरे को देख के, जब वो गया था तब। हाँ वो विजय ने वो पूरा स्प्रे केक लगा दिया कर भाई। बर्थडे में आया तो कुछ को करेंगे ना भाई। सो वो अपन चीज करते जो मैंने अभी तेरे को बताई। चलो ठीक। तो अभी वो जो डिस्कशन करनी थी वो हो चुकी है, थोड़ी घरेलू चर्चा की है, जो आगे आपको आने वाले अपडेट्स में लाइक देखने को मिल जाएगा, मैं बताऊंगा नहीं। सो अभी ना PC को छोड़ के आते, लाइक भाविन का वेट नहीं करते, तबरेज है तो साथ में छोड़ के आते, ताकि जल्दी से काम खत्म हो जाए
तो ये करके आते पहले। हाँ सोल राइट, हम देकर आ गए भाई। क्या गर्मी हो रखी है यार। एक तो चैलेंज ले लिया है कि मानसून की रील्स बनानी है और गर्मी की ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सो वेल वो हो गया। एंड वो देख के दिखा वो 14 Pro Max PC छोड़ के आईफोन ले आए। देखो भाई के ना अभी मज़े है, चल लो भाई आपकी अमानत। आओ वापिस, वो अपन काम खत्म करते जब राजकोट से आ जाओ तब। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ऑल राइट गाइस, तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ मैं, एंड वो भी एक फ़ोन कॉल की वजह से। तो सीन अब ये है कि जो अपना पीसी अपन देकर आए थे वहाँ से कॉल आया था डीलर का, मतलब ये पूछने के लिए कि अब तक ये हुआ है एंड आगे मैं क्या प्रोसेस करूँ। तो नॉर्मली वहाँ क्या होता है कि जब पीसी में कुछ होता है तो अपन देने जाते तो उनका जो एक फिक्स कॉस्ट होता है कि हम देखने के या तो जो भी प्रॉब्लम है उसे डायग्नोज करने की मिनिमम इतने कॉस्ट तो करेंगे, तो वो ठीक है और उससे अपन अग्री थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी उनका फ़ोन था मतलब बताने के लिए कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, और जैसे उन्होंने कहा कि आर्यन भाई आपका जो PC है वो काफ़ी ख़राब हालत में, तो वो सुन के ही अपन समझ गए कि भाई इसमें आगे लगने वाला है। तो उनका खैर पता हुआ भाई क्या हो चुका है उसमें, क्या कोई अंदर की साइड कुछ हुआ है या क्या लोचे हुए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी बुरी तरह से चिपक गया है या वट एवर जो भी हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है ना, उसे पावर मिल रहा है ताकि वो स्क्रीन लोड हो के वहाँ पे मॉनिटर पे आए। तो इन शॉर्ट प्रोसेसर के अंदर कुछ दिक्कत हो गई है एंड मुझे यही डाउट था, मैंने सुबह भी आपको यही कहा था। एंड ये जो कर रहे अपना काम कर रहे दिनेश भाई, उनको मैंने यही कहा था कि शायद अंदर की साइड कुछ ना हुआ हो तो वो आप देखना। तो खैर ये तो होना था, हो गया। आप देखो आप ये कितना अजीब लग रहा है। एंड प्राइमरी काम सारे यार इसी से होते, तो अभी उसमें कितने दिन लगेंगे, मतलब 2-3 दिन तो लगेंगे ये होने में, फिक्स होने में, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है तो उतने लगेंगे ऑलरेडी। तो यार ये होता है डेली लाइफ मेरा, मतलब जामनगर में उतना कुछ खास होता नहीं है कि मैं पूरा दिन बाहर ही भटक रहा हूँ। अगर लोग के लिए भी जाए ना तो उतना कॉन्टेंट नहीं है यार, अगर वो ट्रैवलिंग हो गया ना पूरा, अगर मैं कहीं जाके कुछ ढूंढ रहा हूँ, लोकेशंस कवर कर रहा हूँ, डेली व्लॉग में नहीं आएगा। डेली व्लॉग में क्या होता है, जो हो रहा है वो आप दिखाओ, मतलब जो आपको है वही दिखाना पड़ेगा। आप बनावट कर करके भी लाइक कितनी बनावटी चीज़ दिखाओगे, वो एक सर्टेन लिमिट तक चीज़ें होंगी, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाओगे। तो वैसे ऐसे ही पूरा दिन स्पेंड हो जाता है, कुछ होता नहीं है। बाकी जो 2-3 चीज़ें होती है जैसे खाना खाने बाहर जाना या कुछ दोस्तों से मिलना, तो वो चीज़ें मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ब्लॉग में ऐड करूँ। कि खाना तो मैं रोज़ वही जगह खाता हूँ डाइनिंग हॉल में, एंड दोस्तों से भी कुछ ऐसी बातें होती है जो ब्लॉग में ऐड करने लायक नहीं होती है, तो वही सब चलता रहता है। बाकी ठीक है, आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आज के दिन में क्या नया होता है। वैसे तो बहुत कुछ नया हो चुका है, तो बाहर निकलते हैं अभी चाय नाश्ता करने एंड दिखाता हूँ कि क्या नया है। ऑल राइट जनता लोग, तो अभी बाहर निकला हूँ मैं रात के कुछ 9:45। मैंने आपको इवनिंग में ही कहा कि भाई अपना कोई ऐसा शेड्यूल ही नहीं है कि बाहर निकले, मुश्किल से कुछ ऐसे बहाने मिलते हैं। जैसे अपने ये ब्लॉगर दोस्त आ गए धार्मिक भाई, एंड इनका तो मैं फ़ैन हूँ वरुण भाई का, तो इस बहाने से मिल जाते किसी भी कुछ बात करनी है कुछ भी। तो अभी मैं इनसे मिला हूँ, अभी कुछ घरेलू बातें करते हैं, लाइक कुछ सलाह मैं दूंगा, कुछ सलाह ये देंगे, एक दूसरे की दुख दास्तान सुनाएंगे कि क्या चल रहा है आगे, क्या प्लेसमेंट की तैयारी करें, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड फिर चाय पी के वापस घर पर तो कुछ बातें करते हैं, तो उसके बाद ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और भाई एक सजेशन है, हाँ, कि हो सके तो आप ट्राई करिए कि डेली अपलोड कर सके भाई। मैं आप ना कुछ टाइम तक मेरे डॉक्टर रहने वाले हो इस चीज़ के लिए, मतलब ये चीज़ मैं आपसे चुराऊंगा। हाँ, आपको सिखाना पड़ेगा मुझे कि डेली लाइक इसकी चुन लगानी पड़ेगी मुझे। हाँ, कि मैं डेली व्लॉग कैसे करूँ। डेली व्लॉग में भी कुछ कौन से कि इतना मसालेदार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, मतलब वही है ना कि गाइस हम आपको एक दिन में वो डिस्कवरी टाइप कॉन्टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यार इतना ना कोई शेड्यूल है ना कोई इतना ज़्यादा कंटेंट है कि कुछ क्रिएट कर पाए शूट कर पाए। सो काफ़ी सारे लाइक मुसीबतें भी हैं, तो इन बीच में नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे। मैंने खुद को चैलेंज दिया इस मंथ में तो कि डेली लोग करते कुछ भी हो जाए, क्वालिटी को साइड में छोड़ देना है, जो अपने दिमाग को कीड़ा घूमता रहता है ना कि साले क्वालिटी बना वो नहीं हो पाएगा। इस महीने में क्वांटिटी बनाते अपन, और हम काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रिप करेंगे नहीं करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि क्या सीन रहता है। तो गाइस अभी ना ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया, लेकिन आपको एक फटका सुना के जाता हूँ, एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा नहीं, कि जो मैं और तबरेज PC छोड़ के आए ना उसमें अब लगने वाले, उसका जो प्रोसेसर है, पता नहीं ये चीज़ मैं हंसते हंसते क्यों बता रहा हूँ, शायद धार्मिक भाई साथ में, इसलिए उसमें प्रोसेसर का लोचा होने वाला है, तो वो 18,000 से 20,000 का आएगा। तो भाई
काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, मिनिमम 5-6 दिन तो लगेंगे वो रिपेयर करवाने में। मैं जब उनको केस दूंगा वो प्रोसेसर मंगवाएंगे जो अपना प्रोसेसर है, ठीक है, लाइक राइजन 3600 शायद वो ही है, तो वो मंगवाएंगे फिर इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें टाइम जाएगा। तो भाई देखते कब तक अपना पीसी आता है। सो वेल यही था आज का दिन, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, डेली ब्लॉग वाला फील था। ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पर नहीं हो तो पराए मत रहो, सब्सक्राइब करके अपने बन जाओ, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। मोटा खर्चा आने वाला है भाई, अब भाई वो अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। सो वेल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।